अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डार एजुकेशन के एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंदर आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स। दो चीजें याद रखें, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है? जब आप लेते हैं ना 3 जमा 5, तो इसमें 3 और 5 ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर, ऑपरेटर से क्या मुराद है? ऑपरेटर से मुराद है कि कोई खास फंक्शन आपने उसके ऊपर अप्लाई किया। तो ह्यूमंस ने कुछ ऑपरेटर्स बनाए हुए थे, सिंबल्स बनाए हुए थे, जिनसे हम समझते हैं। जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता है जमा, तब्दील, गर्व, तस्वीर, ये सब ऑपरेटर्स हैं। और सिर्फ यही ऑपरेटर्स नहीं है, कंप्यूटर क्योंकि शुरू में अरिथमेटिक फंक्शन के लिए बनाया गया था। और जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, जैसे आपके यहाँ पे, कि ये बेसिकली जमा तफरीक करने के लिए, सिर्फ जमा तफरीक नहीं था। अगर ये होता तो कैलकुलेटर सिंपल इज देयर, लेकिन ये कैलकुलेशन से बढ़ के था। अब ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो निशान या सिंबल आप देते हैं, ये कंपाइलर को बताते हैं कि ये खास काम परफॉर्म। अ लॉजिकल मैनिपुलेशन। सी लैंग्वेज इज रिच और बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। तो इसके अंदर जो फॉलोइंग टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक। इन हम सबको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी समझिए कि कौन सी कैटेगरी है। आपको सिंबल देख पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा वाला काम में करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मिसलेनियस। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। और ये सिर्फ इसी की टाइप्स नहीं है, दुनिया के हर लैंग्वेज में सबसे ज्यादा है। दिस ट्यूटोरियल विल एक्सप्लेन द अरिथमेटिक। अब जैसे ये देखें, सबसे पहले अरिथमेटिक, ये सब अमूमन आपको आते हैं, लेकिन इसमें से कई चीजें अभी हम इसको तजर्बा करेंगे कि आपको नहीं आती। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपसे लास्ट में बनाया, उसमें आपको जमा तफरीक गर्व तस्वीर आ गया। प्लस का मतलब एड टू नंबर्स। याद रखें ये ऑपरेटर्स की हम एक और किस्म भी होती है, हम कहते हैं बाइनरी, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें दो ऑपरेंड होंगे, यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें एक ऑपरेंड होगा, जैसे आई प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। इस तरह से मल्टीप्लाई है। आई प्लस प्लस का मतलब या आई माइनस माइनस का मतलब यही है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई माइनस माइनस का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, लेकिन लिखेंगे इसको इस तरह से आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये बी डिवाइडेड बाय ए, एक होता है परसेंटेज का साइन। आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, अगर आप 15 को मैं 2 पे तकसीम करूं तो आंसर क्या आएगा? 15.9। आपका आंसर अगर डेसिमल मैंने लिया ही नहीं हुआ तो फिर आपको बताया जाता था बचपन में कि कोशेंट और रिमाइंडर, 7 ऊपर भेजेंगे, 8 कैसे होता था, 2 बटा 8 हो जाएगा 16, 2 7 14 होता था, 7 ऊपर जाता था तो नीचे एक बचता था कि बचता था, इशारिया की बात है। ऊपर वाला जो होता है वो कोशेंट बनाता है, 7 इज अ कोशेंट और 1 इज अ रिमाइंडर। अगर आपने परसेंटेज दिया हो तो आंसर फिर भी रिमाइंडर कोशेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए प्लस प्लस, अगर 10 है तो वो इसमें 1 जमा करके आपको, इनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस को क्या कहते हैं? एक आप आएंगे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड 10 एंड वेरिएबल होल्ड बी। क्या ए बी के बराबर है? No. ये चीज कौन तय करेगा? ए इज इक्वल इक्वल टू बी। ये सारे रिलेशन ऑपरेटर जब आप आगे जाएंगे फॉर लूप में, इफ में, स्विच में, कुछ यूज होंगे। आप किसी चीज के साथ कई क्या कर सकते हैं, क्या उसके बारे में मालूम कर सकते हैं? अगर आप नबील और वकास में कहो कि ये दोनों बराबर है, क्या ये इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है? ये दोनों बराबर नहीं है,
इनमें से क्या ये नवीन विकास से छोटा है, लेस देन, ये वाले जो फंक्शन रहेंगे ही वही है, इक्वल इक्वल इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेटर्स आर, अगर वो दोनों नहीं तो आंसर या तो आएगा ट्रू या फॉल्स, अगर ट्रू है तो उसका मतलब है कि दोनों बराबर है, और फॉल्स है तो इसका मतलब है कि वो आंसर नॉट इक्वल, ये उल्ट होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो लेस देन, ये आपको बताएगा चेक इफ वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड, लेफ्ट इस्तेमाल भी आपको समझ आना चाहिए, लेफ्ट साइड पे जो है क्या वो उससे बराबर है, ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, इफ यस देन द कंडीशन बिकम ट्रू, और अगर वो ग्रेटर देन है तो उसी तरीके से आपको फिर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल आगे चल के जब हम इफ कंडीशंस और बाकी करेंगे तब हमारे जो ऑपरेटर्स के फंक्शन को यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे ग्रेड का फर्स्ट मैंने मार्क्स एंटर किया प्लीज एंटर मार्क्स, तो वो चेक करेगा, जिस तरह आप एटीएम पे जाते हैं तो उस वक्त आप पासवर्ड आपसे मांगता है, उसके पीछे क्या लगा होगा ऑपरेटर, कंडीशन लगी होगी वो डबल इक्वल, डबल इक्वल, शाबाश डबल इक्वल की, अगर आपने वहां पे मनी एंटर आपको करने के लिए कहा और उसका एक वक्त में वो 20,000 दे सकता है तो वहां पे कंडीशन क्या लगी होगी, लेस देन इक्वल देन, हाँ इसका मतलब है अगर 20,000 करेगा तो नहीं करेगा पैसे पैसे देगा, लेस देन इक्वल देन लगी होगी, 21 करेगा तो नहीं देगा, 20,000 एक भी करेगा तो नहीं देगा, लेस देन इक्वल देन। अच्छा फिर आप डिनोमिनेशन पर्सन की एटीएम पे 500 या मल्टीपल करते हैं, अगर कोई 1915 रुपए निकालना चाहे निकाल देगा नहीं, एक कंडीशन और इम्पोज होगी कि इक्वल या ग्रेटर देन, 500 से कम नहीं निकल सकता, तो सारी प्रोग्रामिंग की एक सेंस है, पासिंग मार्क्स है, अब पासिंग मार्क्स को सोच लें, मार्क्स अगर 90 से अबव है तो ए प्लस है, 90 से कम है, 80 से ज्यादा है तो ए है, ये सब चीजें सोचने ऑपरेटर लगे हुए, यही थॉट आपने करनी, एक होते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर, बिलाल एंड उस्मान आर फ्रेंड एंड आ गया पेपर में आप सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या मतलब इसका, दोनों चीजें करनी है, एक या क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर कंपलसरी, इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चन है, 2 तो ये लाजमन है, ये तो करने ही करने, तो वही जो लॉजिकल ऑपरेटर आप करते हैं या लिखा हुआ हो कि क्वेश्चन नंबर 7 विल नॉट बी अटेम्प्टेड, विल नॉट बी अलाउड फॉर द, जैसे अगर आप इस्लामिया से कुछ पढ़े भी किताबें पढ़े तो वो उसमें आ जाएगा भी क्वेश्चन नंबर 5 है इस्लामिया का, अगर कोई हिंदू स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इस्लामिया वाला तो नहीं देगा, तो वो उसको यही होगा कि नॉट अलाउड फॉर द नॉन मुस्लिम, उनके लिए कुछ और क्वेश्चन होगा, इसमें समझाने के लिए अगर कंप्यूटर में आपने ऐसे इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए होता है कार डबल एंड साइन, सिंगल एंड कहाँ पे जाते हैं, डबल एंड क्यों दिया, सिंगल एंड कहाँ गया, एड्रेस पे चला गया, इसलिए डबल एंड लग गया, आप समझ आ रही है, क्योंकि एक कंपाइलर में चीज फिट हो गई है ना तो वो अब किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं है, डबल एंड हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड आर नॉन जीरो तो देन कंडीशन बिकम ट्रू, दोनों फॉल्स है दोनों ही फॉल्स हो, और ऑपरेटर इफ एनी वन इज ट्रू, दोनों में से आपको आंसर दो, और नॉट है आपका ट्रू है तो फॉल्स करते हैं, फॉल्स है तो बिट वाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप बिट को समझने शुरू कर दें तो आपकी लैंग्वेज आसान हो जाएगी, बिट वाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन, इसमें सिर्फ बिट बाय बिट काम होता है, अब इसके अंदर सबसे पहले एंड और नॉर और एस, अब यहाँ पे एंड सिंगल है लेकिन जहां पे ये एंड दो ऑपरेंड के दरमियान आ जाएगा वहां ये बिट वाइज ऑपरेशन बन जाएगा, नंबर से पहले एंड आ जाएगा तो एड्रेस में चला जाएगा,
अब ये अपरेंड के बीच में इस्तेमाल हो। अच्छा अब समझे, अगर दो वैल्यूज मेरे पास हो, अगर P एंड Q है, P एंड Q का मतलब है अगर दोनों सिफर है तो वो सिफर है, एंड का मतलब है दोनों का वन होना जरूरी है, जीरो वन हो, वन जीरो हो तब भी वो जीरो ही है। आप देख रहे हैं सिर्फ कस वक्त ट्रू होगा वो, दोनों वन होंगे, जब दोनों वन होंगे तो ये वन होगा, अदरवाइज एक जीरो एक वन है, एक वन है एक जीरो है तो जीरो, दोनों जीरो तो तब भी जीरो, और बिल्कुल डिफरेंट है। और ये है कि अगर एक जीरो है और एक वन है तब भी वन है, एक वन है एक जीरो है तब भी वन है, दोनों वन वन है तब भी वो वन है, लेकिन अगर एक में दोनों में जीरो है तो वो फिर जीरो। और पी एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर वो जीरो है तो जीरो, अगर जीरो वन है तो वो वन, अगर दोनों वन वन है तब भी वो जीरो है। ये कैप जो आते हैं, अब इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे ए और बी है, इसकी एग्जांपल दी गई है, ए एंड बी होगा। अब आप चार चार के पैटर्न में काम कर रहे हैं, आप देखें जो जीरो वन है तो जीरो, जीरो जीरो है तो जीरो, वन वन है वन, अदरवाइज ये सारे जीरो देंगे, आंसर विल बी। ये बिट्स हैं इस तरह से, ये एक्सक्लूसिव और है, वन है तो जीरो कर। इसके अलावा हमारे पास आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे एंड और नॉर। इसके अलावा ये इसको काम करते हैं टिल्डा, ये जो अली मद्दा सी शक्ल बनी होती है टिल्डा ऊपर ही बना होता है टिल्डा का। बाइनरी वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर इज यूनरी एंड हैज द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स, इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स अगर आप उसको शिफ्ट करेंगे तो वो उसको समझेगा। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर द लेफ्ट ऑपरेंड्स वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स शिफ्टेड बाय दैट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल करना, प्लस इक्वल इसका मतलब है जमा, इक्वल मल्टीप्लाई बाय इक्वल इसका मतलब यही है कि पहले के कंप्लीट करेगा एंड देन उसको असाइन करेगा। इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करें एंड देन उसके अंदर फिर वैल्यू को ऐड करें। ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट ऐड राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी c इज इक्वल टू c प्लस a ही है। जब आप c प्लस इज इक्वल टू a लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, c इज इक्वल टू c प्लस a, नहीं बेटा a, a है ना, जो भी वैल्यू दी गई है c प्लस c माइनस a, माइनस इक्वल a, c मल्टीप्लाई इक्वल a, इस तरह से ये सारी, इस तरह से शेफ शिफ्ट ऑपरेटर जितने आप ऑपरेटर देखें एंड इक्वल ये सारे आते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर है, रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये यूज करते हैं आप एड, जब आप ये करते हैं तो ये कौन सा हो जाता है अदर ऑपरेटर्स में, साइज ऑफ एंड टर्नरी, मैंने आपसे कहा था ना यूनरी बाइनरी एंड टर्नरी, टर्नरी में तीन ऑपरेंड होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो फिर बात करते हैं। उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर ये क्वेश्चन मार्क होते हैं, समझ आ रही, सपोर्टेड बाय सी। एक होता है साइज ऑफ, जो कि आपने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि आपको बाइट का सपोर्टेड बाय सी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब क्वेश्चन ये कि अगर आपने, मैं आपसे ये कहूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास है पांच जरब तीन, तीन जमा छत्तीस पैंतालीस जो भी, डिवाइडेड बाय दो माइनस बारह, तो आंसर क्या आएगा? इसको क्या कहते हैं? बदमाश कहते हैं इसको। बदमाश कहते हैं, पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, बी बी एम एस, एंड सबट्रैक्शन, बी बी
स्टैंड फॉर ब्रैकेट। अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी है तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, बस क्योंकि बचपन में आपको बता दें ऊपर भी एक लाइन बार सी आ जाती है, फिर छोटी ब्रैकेट की प्रेजेंस हाई होती है, दरमियानी की उसके बाद में, ये सब मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। इसके हम कहते हैं बी द मार्क्स, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनकी तरतीब भी वैसे है, जब आप माइनस है तो फिर पहले आप एडिशन का काम करें एंड देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों जगहों पर आ गई है तो पहले डिवीजन का काम करें एंड देन मल्टीप्लीकेशन। इस चीज को क्या कहा जाता है, अगर हम इसको प्रेसिडेंस कर देते, अगर हमने ये रूल ना रखे होते तो हर इंसान का आंसर पूछे तो डिफरेंट होता, तो प्रिपरेशन तो है। तो कंप्यूटर के अंदर इस चीज को जो हम लेके आ रहे हैं वो इसको कहा जाता है कि ये इसकी उन्होंने डिटेल आपको बता दी, ये जो आपने मैं आपसे कहा 7 + 3 × 2, अगर आंसर देखें तो इसका क्या निकलेगा, इसका आंसर होना चाहिए 20 के 42 15, 7 + 3 = 20 होगा आंसर, या इसका 35 आंसर है या 12 है, क्या है इसका आंसर, खुदा का खौफ करो, 3 × 5 = 5 + 7 = 30 not 20, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन एडिशन होगी। क्लियर हो गया है, कोई क्वेश्चन यहां तक? अब इसमें आते हैं पोस्ट फिक्स, अगर पहले प्लस, ये भी फर्क है कंप्यूटर में, प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स, अगर पहले आपके पास ऑपरेटर लगा हुआ है ना तो उसको क्या कहते हैं पोस्ट फिक्स, और अगर बाद में लगा हुआ तो उसको कहते हैं प्री फिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है पोस्ट फिक्स, इसमें आपको प्रोग्राम चला के बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी सिर्फ हम ऑपरेटर को डिस्कशन कर रहे हैं, प्लस प्लस आई डिफरेंट होता है और आई प्लस प्लस डिफरेंट होता है, वो कैसे है वो हम बाद में करते हैं। फिर आते हैं यूनरी ऑपरेटर, जिसमें आपने प्लस हो, माइनस हो, नॉट हो, टिल्डे है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, टाइप्स है, इनकी राइट टू लेफ्ट, ये भी आपने याद करना है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट, ये आपका क्विज ऑन हो जाएगा, कल आप अपने क्विज दे दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन और फिर आपकी लेफ्ट टू राइट, फिर आती है एडिटिव यानी जमा तफरीक, फिर आती है शिफ्ट, फिर आपकी आती है रिलेशनल इक्वलिटी, ये सारी डिटेल आपको दी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है? नो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।